स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अभी भी गले से हजम नहीं होती ये बात कि भारत बार बार बल्लेबाजी में किस तरह से ये मैच हारता रहा। न सिर्फ ये मैच, इससे पहले, उससे पहले और उससे भी पहले, क्योंकि सीरीज भारत गवा चुका है। लेकिन अब आगे भी तो देखना है, भारत की ताकत कैसे भारत की कमजोरी बन गई है। मेरे साथ आज खास मेहमान है मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिन्होंने इंग्लैंड में रन बड़े बनाए हैं, जो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी खेले हैं। लेकिन अजहर भाई, इससे पहले कि बातचीत शुरू करें, एक छोटी सी बात जो मैं और शायद दर्शक भी इस बात पर मुहर लगाएंगे। मेरे दांत निकले तो मैंने पेन किलर खाए, मुझे बुखार है तो मैं कॉम्बी फ्लेम खाता हूं, मुझे जुकाम होता है तो मैं दवा ले लेता हूं। सवाल यह है कि इस बैटिंग को हुआ क्या है? क्या मानसिक तौर पर यह बल्लेबाज लड़ाई हार चुकी है? क्योंकि इस साल विदेश में भारत को 4 बार टारगेट मिला चौथी इनिंग का, और चारों इनिंग में भारत 200 रन भी नहीं बना पाया। हालांकि हकीकत है कि चौथी पारी में रन बनाने आसान नहीं होते। अब हम कहते थे पहले कि हमारे गेंदबाज बाहर जाकर नहीं चलते, गेंदबाज इस तरह के प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस भारत की बैटिंग को हुआ क्या है? अजहर भाई, आज आपको अखबार में पढ़ा, आपने कहा कि आप अभी भी इस बात पर यकीन नहीं करते कि बल्लेबाज क्यों बार बार अपनी गलती से सबक नहीं लेते। मेरा सवाल तो आपसे यह है कि एक बल्लेबाज की शायद जो पीक कहते हैं ना, 29 से लेकर 32 साल तक होती है, 33 साल तक होती है, जहां पर आप शायद सबसे ज्यादा बेहतर क्रिकेट दिखाते हैं मानसिक तौर पर भी। अब इस टीम को क्या हो गया? उम्र तो खिलाड़ियों की उतनी ही है, आपको चौथी इनिंग का क्या हुआ हो गया कि भारत की बैटिंग ताकत की बजाय कमजोरी हो गई? नहीं, अगर आप शुरू से ही अगर देखेंगे, जो शुरू से ही अगर आप टेस्ट मैच अगर मैच फर्स्ट मैच से देखेंगे तो हमारे हम टेक्निकली हम उतना अच्छे हैं ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे बॉल स्विंग होता है वहाँ पे हम बिल्कुल खेल ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि मैं इंडियन टीम के बारे में बोल रहा हूँ, बट दूसरे भी टीम भी खेल नहीं सकते, क्योंकि इतनी वनडे क्रिकेट हो चुकी है, इतने फ्लैट विकेट पर आप बैटिंग करे होते हैं, जब जहाँ पे बॉल स्विंग होता है वहाँ पे आपको तकलीफ होती है। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड की टीम इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करी, बट लेकिन उन्होंने थोड़ा भारत से थोड़ी अच्छी बैटिंग करी, बट लेकिन जो टेक्निकली जो टेक्निक जो होती है इंग्लैंड में खेलने के लिए, जो पेशेंस खेलना होता है, पेशेंट गेम खेलना पड़ता है, और आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे क्रीज के खेलना पड़ता है, क्योंकि आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप जैसे वनडे में खेलते हैं वैसे बिल्कुल फ्री खेल नहीं सकते, आपको बिल्कुल आपका टाइट डिफेंस होना पड़ता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे इतने बड़े प्लेयर है, मैंने सनी भाई वहीं पे है, अगर शायद मेरे ख्याल में अगर कोई प्लेयर उनके साथ जाके अगर बात करे तो शायद वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट टिप मिली तो अगर उससे भी काफ़ी फायदा हो सकता है। बट लेकिन जैसा कि मैं कहूँ कि अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट स्टाफ को ये काम करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो बैटिंग कोच है उनको बताना चाहिए, जब आप लग रहा है कि एक ही तरह से एक बैट्समैन हम आउट हो रहे, पूरे बैट्समैन जहाँ तक एक्सेप्ट फॉर विराट कोहली जो ज़बरदस्त अच्छी बैटिंग की, उन्होंने बाकी के प्लेयर तो आप देखिए ठीक है, पुजारा एक इनिंग में किए, रहाने ने एक इनिंग में किए, बट लेकिन जहाँ पे कंसिस्टेंटली बैटिंग होना चाहिए। देखिए विराट कोहली एक प्लेयर ऐसे है, उन्होंने हर बार वो स्कोर नहीं कर सकते, अगर वो स्कोर करेंगे तो उनके साथ भी कोई एक आदमी को 100-200 और करना पड़ेगा, जब आपको 400-500 के करीब स्कोर होता है। तो बिल्कुल अगर बॉलर्स को अगर आप देखेंगे तो 20 विकेट आई मीन हर मैच में उन्होंने 20 विकेट लिए, तो आप बॉलर्स के बारे में कोई कंप्लेन कर ही नहीं सकते। जहां पे अगर हम जो मैच हार रहे वो बैटिंग की वजह से ही मेरे ख्याल में हारे, बट लेकिन मुझे ये समझ में भी नहीं आया कि जब मोइन अली ने जब इतने 9 विकेट लिए तो अश्विन ने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि शायद मेरे ख्याल में वो इंजर्ड थे, वो खेलना नहीं चाहिए था शायद टेस्ट मैच में अगर इंजर्ड होते तो। ये अश्विन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आप इंजर्ड है तो आप प्लेयर बोलना चाहिए कि मैं खेल नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर आप कंपलसरी अगर खेलेंगे तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा। अच्छा, आपने कहा कि सनी भाई मतलब सुनील गावस्कर वहाँ पर हैं और खिलाड़ी चाहते तो उनसे बात कर सकते थे। मैं आपको बता दूं कि सनी भाई आज तक पर इंटरव्यू उन्होंने दिया था और उन्होंने कहा था कि इस दौर के खिलाड़ी मेरे पास नहीं आते, वो कहते हैं मेरे पास इस दौर के खिलाड़ी नहीं आते हैं, रहाने आते हैं क्योंकि वो मुंबई से हैं तो कभी कभी मुझे पूछ लेते हैं। खैर, ये तो मामला ही बड़ा अलग हो जाता है। विराट ने आपने कहा कि एडजस्टमेंट्स की हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये इस टीम में इनसिक्योरिटी तो नहीं है, क्योंकि रातों रात ऐसा नहीं हो सकता अजहर भाई कि ये बल्लेबाज बैटिंग करना भूल गए। मुझे तो इनके चेहरों पर मैं देखता हूं ऐसा लगता है कि वो फियर ऑफ फेलियर दिखता है, वो हार का डर दिखता है।
नहीं विक्रांत जी, देखिए इनसिक्योरिटी तो हो ही नहीं सकती, आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप स्कोर नहीं करेंगे तो ही आप इनसिक्योर हो सकते हैं ना। अगर आप स्कोर ही नहीं करेंगे, आप एक माइंड में जाएंगे कि मैं अगर टेस्ट मैच दूसरा खेलूंगा या ना खेलूंगा, तो आप कैसा भी आपका माइंड मेंटली आप अलग करेंगे, क्यों? आपका जो नेचुरल गेम है आप उसको खेलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि एकदम टाइट डिफेंस भी खेलेंगे आप 40 बॉल खेल के 5 रन बनाएंगे, वो भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 40 बॉल खेल रहे तो 20-25 रन तो बनाना चाहिए कि आपके ऊपर भी प्रेशर निकल जाता है, कि बॉलर के ऊपर भी प्रेशर आता है। तो बिल्कुल देखिए जैसा कि आपने कहा कि मेरे ख्याल में वहाँ पे सनी भाई से लोग बिल्कुल एडवाइस लेनी चाहिए थे, इतने बड़े प्लेयर हैं। मैं अकॉर्डिंग टू मी वो मेरे हिसाब से नंबर वन बैट्समैन इन द वर्ल्ड थे और मेरे ख्याल में आगे भी चल के रहेंगे, क्यों जहाँ तक के मैं सोचता हूँ। बट लेकिन अगर उनसे भी अगर आप नहीं ले सकें, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है वहाँ पे और जब प्लेयर्स को बिल्कुल जाना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हर प्लेयर जाते, हम भी जाते थे, इससे पहले के प्लेयर्स भी होते थे। मेरे ख्याल में सनी भाई ने भी किसी से भी और एडवाइस आगे लिया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, आपको ओपनली जाना पड़ता है, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आके आपको बोलेंगे नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जो टेक्निक है, हमारी जो टेक्निक है वो बिल्कुल फाउंड वांटिंग जो इस्तेमाल वर्ड करते हैं इंग्लैंड कंडीशन में, तो वहां पे हम यही हुआ हमको। तो अजहर भाई उसकी तो तैयारी करनी थी ना आपने, साउथ अफ्रीका में भी तैयारी नहीं की आपने, तब कहा था कि हमें वक्त नहीं दिया जाता, इस पर तो वक्त था, लेकिन खिलाड़ी ने कहा कि प्रैक्टिस मैच नहीं चाहिए, छुट्टी मना लेते हैं, फिर प्रैक्टिस मैच को फर्स्ट क्लास क्रिकेट का दर्जा मत दीजिए, कई ऐसी चीजें हुई हैं। अब कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे क्या उखाड़ने। इस सीरीज में मौके दूसरी तरह से भी आए हैं, जहां पर आपने 86-6 आउट कर लिए, या फिर 77-7 आउट कर लिए, या 131-5 कर लिए, या 92-4 कर लिए, लेकिन एंड में इंग्लैंड की जो लोअर ऑर्डर था वो रन बनाता रहा। सुनील गावस्कर कल थे आज तक, पर उन्होंने कहा कि मैं शायद विराट कोहली की कप्तानी से निराश हूं। उन्होंने कहा 2014-15 में जब विराट कोहली कप्तान बने थे तो वो जोश, वो जज्बा उनमें दिखता था और मुझे लगता था कि भारतीय क्रिकेट आगे जाएगी, लेकिन शायद 4 साल के बाद मैं ये कह रहा हूं कि वो टीम आगे नहीं गई है। क्या ये लीडरशिप का भी फेलियर है? और लीडरशिप में मैं कोच और कप्तान दोनों को रख रहा हूं, रवि शास्त्री और विराट कोहली को भी। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं अगर आप लीडर है तो जब आपके पहले प्लेयर्स आगे जल्दी आउट कर ले रहे आप 6 विकेट, लास्ट के अगर 3 या 4 बैट्समैन मेरे ख्याल में 200 रन के करीब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स जो सपोर्ट स्टाफ है उनको भी बताना चाहिए कि मैसेज भेजा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप टीम में कि अगर कैप्टन है तो वो कैप्टन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ठीक है टीम में देखना, बट लेकिन कहाँ पर कहीं गलती हो रही, कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल कोच का काम है कि सजेशन भिजाना चाहिए और उसको सही करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ सनी भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट लेकिन मुझे एक चीज बिल्कुल जो बैफलिंग होती है कि जो हमारे प्लेयर जो स्पिनर को भी आउट हो जाते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो मोइन अली 9 विकेट इस मैच में ली, जहां पे बॉल स्विंग हो रहा था और स्विंग भी हो रहा था, बॉल ऊपर नीचे भी हो रहा था, बट लेकिन जहां पे उन्होंने जैसे बोली की वहां पे हम लोग अगर स्पिन भी नहीं खेल सके, ठीक है मैं मानता हूं कि आप टेक्निकली हम स्विंग बॉलिंग में जरा मुश्किल हो रही, बट लेकिन वहां पे स्पिनर्स को आप 9 विकेट दिए इस मैच में, तो मुझे बिल्कुल यहाँ पे कोई ऐसा समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो आप हैरान किस चीज से हैं कि मोइन अली को भारत विकेट दे देता है, या आप इसलिए हैरान हैं कि इन कंडीशंस में जहां पर मोइन अली ने 9 विकेट लिए हैं भारत का स्पिनर जो है वो कुछ नहीं कर पाया, आपको ज्यादा क्या हैरान करता है? नहीं बिल्कुल मैं हैरान यही होता हूँ कि हमारे बैट्समैन स्पिन खेलते इतना स्पिन खेलते हैं यहाँ पे और स्पिन खेलने में माहिर है, उसके बावजूद भी मोइन अली को आउट हो रही इस सीरीज में। 2014 में भी हमने एक बार एक दो मैच हारे बिकॉज ऑफ मोइन अली की को हमने विकेट दिया, तो मुझे पता नहीं था अगर आप स्पिन बॉलिंग भी नहीं खेल सकेंगे और फास्ट बॉलिंग भी स्विंग बॉलिंग भी नहीं खेल सकेंगे तो मेरे ख्याल में रिजल्ट तो यही आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब जो मैं अगर जो अगला जो टेस्ट हो रहा है वहाँ पे कहीं नए प्लेयर्स को खिलाना चाहिए, क्योंकि मैं शिखर धवन और राहुल बिल्कुल जहाँ पे बॉल मूव होगा उनको बिल्कुल दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही। अच्छा मैं अजहर भाई आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप 11 बना रहे हो अगले मैच में तो किस खिलाड़ी को बाहर रखेंगे और किस खिलाड़ी को आप खिलाएंगे? नहीं देखिए मैं समझता हूँ कि ओपनर्स को नए ओपनर्स लाना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि नए ओपनर्स खेलना चाहिए अगर आप इतना अच्छा मौका है, अगर आप नए अगर सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे, क्योंकि आपको पता चल गया कि मुरली विजय ने उतना सक्सेस नहीं हुआ, कि राहुल को आप भिजाए ओपनिंग वहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ, तो वहाँ पे फिर अब शिखर धवन मैंने समझता हूँ कि जहाँ पे बॉल स्विंग होगा वो खेल सकेंगे, तो मैं समझता हूँ कि नए प्लेयर्स को खिलाना चाहिए बिल्कुल। मैं समझना चाहूँगा कि कोई दो नए ओपनिंग पार्टनरशिप इंग्लैंड में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर जहाँ कहाँ पर अगर पार्टनरशिप अगर 100 या 70-80 रन की भी पार्टनरशिप होती तो फिर ज़्यादा लोअर मिडल ऑर्डर पर या मिडल ऑर्डर बैट्समैन पर उतना प्रेशर नहीं होता, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नए प्लेयर्स को खिलाना चाहिए, नए जनों को मौका देना चाहिए। चलिए अजहर भाई कई सवाल और हैं, आपने जवाब तो बहुत दिए हैं लेकिन कई सवालों का जवाब और है, ब्रेक के बाद लेंगे।